हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर पंचायत राज चुनाव, दोनों पार्टियों ने कई दिग्गजों ने काटे टिकट। जिले में होने वाले पंचायत राज चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को दिनभर कलेक्ट्रेट में आवेदकों की भीड़ रही। दोनों पार्टियों की ओर से निर्धारित समय तक टिकट सूची जारी नहीं करने से उत्सुकता बनी रही। जब सूचना जारी की गई तो कई दिग्गज प्रत्याशियों के नाम नहीं थे। दोनों पार्टियों की ओर से बोर्ड बनाने को लेकर अंतिम समय तक प्रत्याशियों के चयन को लेकर खींचतान जारी रही। जालौर में इस बार जिला प्रमुख पद के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। उसके बाद भी टिकट वितरण करने में दोनों पार्टियों ने बड़ी सावचेती दिखाई। समर्थकों के साथ पहुंचे आवेदक। आवेदन करने का अंतिम दिन होने के कारण प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ आवेदन करने पहुंचे। हालांकि पार्टियों की ओर से अंदरूनी तौर पर प्रत्याशियों को रात में ही संकेत दे दिए गए थे, लेकिन अंतिम सूची जारी नहीं होने तक उत्सुकता बनी रही। भाजपा के संगठन प्रभारी घनश्याम डागा व कांग्रेस के पर्यवेक्षक लोहावट विधायक किसना राम बिश्नोई ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। दोनों पार्टियों की ये है सूची। वार्ड संख्या एक से कांग्रेस से कमलेश बिश्नोई और भाजपा से पूनम सिंह। वार्ड संख्या दो से रामदेवी बिश्नोई और प्रवीण कुमार। वार्ड संख्या तीन से कांग्रेस से धापू देवी कोहली और भाजपा से राधा। वार्ड संख्या चार से कांग्रेस से रेवंत सिंह राजपूत और भाजपा से जयंती लाल। वार्ड संख्या पाँच से कांग्रेस से खेमाराम दिवासी और भाजपा से महेंद्र चौधरी। वार्ड संख्या छह से कांग्रेस से प्रवीण बिश्नोई और भाजपा से छोगा राम। वार्ड संख्या सात से कांग्रेस से माया कुमारी भील और भाजपा से कमला। वार्ड संख्या आठ से कांग्रेस से रमीला मेघवाल और भाजपा से प्रकाश कुमार। वार्ड संख्या 9 से कांग्रेस से धर्मेंद्र धवल और भाजपा से हरीश राणावत। वार्ड संख्या 10 से बबीता कंवर और भाजपा से मनीषा देवी। वार्ड संख्या 11 से कांग्रेस से हवन कंवर देवड़ा और भाजपा से नरेंद्र कंवर। वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस से लक्ष्मी देवी मीना और भाजपा से चंदन सिंह। वार्ड संख्या 13 से कांग्रेस से मांगीलाल प्रजापत और भाजपा से भीका राम। वार्ड संख्या 14 से कांग्रेस से विनोद कलबी और भाजपा से गोपाल। वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस से सौरभ कंवर और भाजपा से शांति देवी। वार्ड संख्या 16 से कांग्रेस से मंजू कुमारी दिवासी और भाजपा से दरिया देवी। वार्ड संख्या 17 से कांग्रेस से राजो देवी दिवासी और भाजपा से पैपी देवी। वार्ड संख्या 18 से कांग्रेस से मफरी देवी देवासी और भाजपा से गुलाबी देवी। वार्ड 19 से कांग्रेस से रामाराम चौधरी और भाजपा से तलसा राम। वार्ड संख्या 20 से कांग्रेस से देसु देवासी चौधरी और भाजपा से रेखा कंवर। वार्ड संख्या 21 से कांग्रेस से केली देवी बिश्नोई और भाजपा से धौली। वार्ड संख्या 22 से कांग्रेस से सजनी देवी और भाजपा से संतोष देवी। वार्ड संख्या 23 से कांग्रेस से मोड़ाराम मेघवाल और भाजपा से रमेश। वार्ड संख्या 24 से कांग्रेस से निकिता और भाजपा से ललिता राणा। वार्ड संख्या 25 से कांग्रेस से प्रियंका कंवर चारण और भाजपा से सूकी देवी। वार्ड संख्या 26 से कांग्रेस से रतन सिंह राजपूत और भाजपा से हुकम सिंह। वार्ड संख्या 27 से कांग्रेस से यशोदा देवी राजपुरोहित और भाजपा से उषा देवी। वार्ड संख्या 28 से कांग्रेस से गोकुल राम भील और भाजपा से रमेश। वार्ड संख्या 29 से कांग्रेस से बालका राम भील और भाजपा से राजेश कुमार। वार्ड संख्या 30 से कांग्रेस से डिंपल मेघवाल और भाजपा से सुशीला देवी। और वार्ड संख्या 31 से कांग्रेस से मांगीलाल बिश्नोई और भाजपा से नरपत सिंह उम्मीदवार है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।